हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने मिरर का मेकओवर किया है। आप देख सकते हैं कि मेरा मिरर किस तरह से टूट गया था शिफ्टिंग में, लेकिन ये मिरर जो है मुझे था कि मुझे फ़िक्स करना है, क्योंकि इसका एक ही कोना डैमेज हुआ था। और बिफोर स्टार्टिंग द स्कल्पचर पेंटिंग, मैं पहले कुछ चीज़ों को फिक्स कर रही हूँ विद द फेविकॉल। एंड एज यू कैन सी, मैं पहले इसे फिक्स करूँगी। इसको फिक्स करने के बाद मैंने चूज़ किया है एक स्टेंसिल को। आप देख सकते हैं ये लीव्स वाला स्टेंसिल है। मैं पहले देखूंगी अच्छे से मेजरमेंट को कि मुझे स्टेंसिल को किस डायरेक्शन में यूज़ करना है, सो दैट मेरा मिरर भी ज़्यादा कवर ना हो और जो मेरा डैमेज्ड पार्ट है वो भी उसमें कवर अप हो जाए। तो मैंने लीव्स के लिए ये ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है और इसको मैंने स्टेंसिल पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। पार्ट कवर करने के बाद मैं इसे हटा कर देखूंगी किस तरह से रिजल्ट आया है, और जहाँ पे भी थोड़ी बहुत कमी होगी मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करूँगी। पूरा प्रॉपर टचअप करने के बाद अब मैं लास्ट जो इस पर काम करूँगी वो है मेरा फ्लावर वाला पार्ट। इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए मैं टाइम देने वाली हूँ। वैसे तो गर्मियाँ हैं, समर्स में जो है हमारा स्कल्पचर पेस्ट काफ़ी जल्दी ड्राई होता है, और एज यू कैन सी के स्टेंसिल में काफ़ी पतली लेयर है तो वो और ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये मैंने फ्लावर पार्ट यहाँ पर शुरू किया है। मैंने टी ब्लू कलर का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी कलर अपने स्कल्पचर पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा DIY है जो मैंने अपने मिरर को रिपेयर करने के लिए किया है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए इसे प्रॉपर समझने के लिए, और अगर आपको पेंटिंग या इन सब चीज़ों में आर्टवर्क में इंटरेस्ट है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरा फ्लावर पार्ट यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट हाफ तक कर दिया है। पर मैंने रोज़ फ्लावर बनाया है, मैंने बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा पर्पस इस DIY का था कि मुझे अपने मिरर को रिपेयर करना है, जो उसका डैमेज्ड पार्ट है मुझे उसको हाइड करना था। तो ये कुछ टचअप जो है मैं ब्रश के साथ स्कल्पचर पेंटिंग में दे रही हूँ, और टचअप देने के बाद मैंने इसको काफ़ी हद तक कम्प्लीट किया है। फॉलिंग लीव्स पेटल्स बना रही हूँ मैं यहाँ पर रोज़ फ्लावर। और एक और पैटर्न यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। और लास्ट पैटर्न जो कि थोड़ा सा मुझे गलत प्लेस हो जाती है स्कल्पचर पेंटिंग में, बट वो शुड नो कि हाउ टू फिक्स इट। तो इस तरह से मैंने प्रॉपरली उसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद लास्ट रह जाता है मेरा लीव्स वाला पार्ट, सो दैट मेरा जो डैमेज पार्ट अभी भी नज़र आ रहा है मैं उसको कवर कर सकूँ। तो ये आ जाता है, इस तरह से मेरा फ्लावर जो है एज़ यू कैन सी बन के निकला है। और एक मैं इस पर बड बनाने वाली हूँ।
दोस्त, अगर आप जिंदगी